दुधमनिया के चमत्कारी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका समापन 8 मार्च को आरती एवं भव्य भंडारे के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं। सिंगरौली जिले के सत्संग नगर दुधमनिया में स्थित चमत्कारी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से लोग अपनी मुरादें लेकर आए और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। इस दौरान मंदिर के संस्थापक गुंजारी लाल तिवारी ने बताया, कथा का समापन आरती पूजा एवं भंडारे के साथ हुआ। संस्थापक तिवारी के अनुसार इस पौराणिक मंदिर में आने वाले भक्त कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया जिला सिंगरौली में सन 2004 से अनवरत 21वां जो है वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष जो है 1 तारीख से लेकर के 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा और 8 मार्च को दोपहर 1 बजे समापन पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष के भांत हो रहा है। इस कार्यक्रम में अपने जो है कहना चाहिए कि कई प्रदेशों के जो भक्त जुड़े हुए हैं तो इस निजानंद संप्रदाय से तो आते हैं। जैसे आज ही गोरखपुर से कई लोग आ रहे हैं, शहडोल से भी आ रहे हैं, रीवा से, सतना से, तो ऐसे सब लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इस बार अलंकार जी महाराज अपने वृंदावन से पधारे हुए हैं और संगीत कलाकार रीवा से पधारे हुए हैं, तो प्रत्येक दिन सायंकालीन जो है अलग अलग प्रकार के कलाकारों द्वारा संगीत का कार्यक्रम होता है और 8 तारीख को प्रातःकालीन 9 बजे जो है पुणावती और महाआरती पारायण की होगी और तत्पश्चात 11 बजे से भागवत कथा प्रारंभ करके और 1 बजे भागवत का भी विश्राम आरती है। मैं सभी भक्तजनों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस विशाल भंडारे में जो है उपस्थित हों, यही मेरा जो है आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।